36 महत्वपूर्ण किचन टिप्स, ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें। नंबर एक, आलू को जल्दी उबालने के लिए कुकर में कम पानी डालें और साथ में थोड़ा सा नमक भी डाल दें। ऐसा करने से आलू जल्दी उबल जाएंगे। नंबर दो, सीले हुए बिस्किट को फिर से कुरकुरा बनाने के लिए किसी भी डब्बे में बंद करके फ्रिज में रख दें। जब आप दोबारा उसे निकालेंगे तो पाएंगे बिस्किट पहले की तरह कुरकुरे हो चुके हैं। नंबर तीन, दूध को पतीले में डालने से पहले उसमें थोड़ा सा पानी डालें, फिर दूध डालकर उबाल लें। ऐसा करने से उबलते वक्त जो दूध तली में लग जाता है वह नहीं लगेगा। नंबर चार, ताजे नारियल को ज़्यादा समय तक स्टोर करके रखने के लिए उसके ऊपर हल्का सा नमक लगाकर फ्रिज में रखें। ऐसा करने से नारियल खराब नहीं होगा। नंबर पाँच, मूंग दाल का हलवा बनाते वक्त दाल को भूनने में काफ़ी समय लग जाता है। उसे हमारे को कम करने के लिए दाल डालते वक्त उसमें थोड़ा सा बेसन डाल दें। ऐसा करने से हलवा ना सिर्फ स्वादिष्ट बनता है बल्कि दाल जो है वो जल्दी भुन जाती है। नंबर छः, दही जमाते समय दूध को अच्छे से गर्म कर लें, इससे मुलायम और अच्छा दही जमेगा। नंबर सात, करेले का कड़वापन दूर करने के लिए करेले को काटकर एक बर्तन में डालें और फिर उसमें एक चम्मच नमक डालकर पानी डाल दें, इसे करेले का कड़वापन खत्म हो जाएगा। नंबर आठ, फ्रिज को महीने में एक से दो बार ज़रूर साफ करें, इसे फ्रिज में कीटाणु और बदबू नहीं आती है। नंबर नौ, चावल और दाल पकाने से पहले साफ पानी से धोकर आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिया जाए तो उसी पानी से पकाया जाए तो खाना जल्दी पक जाता है और गैस की भी बचत होती है। नंबर दस, भटूरे के आटे में जल्दी खमीर उठाने के लिए ब्रेड के 2-3 स्लाइस से चूरा करके मिलाएं। नंबर ग्यारह, दही खट्टा हो जाने पर उसे कपड़े से छानकर पानी निकाल लें, चाहे तो उसमें चीनी या सूखे मेवा बारीक काटकर हल्का सा फेंट लें और फ्रिज में रख दें। 2 घंटे पश्चात श्रीखंड के रूप में खा सकते हैं। चाहे तो दही का पानी निकालने के बाद उसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर रायता डाल सकती हैं। नंबर 12, यदि आप नौकरी पेशा हैं तो करी का मसाला मिक्सी में ज़्यादा पीस कर मसाला भूनकर फ्रिज में रख लें। मसालेदार सब्जी बनाते समय तैयार मसाला प्रयोग में ला सकती हैं। नंबर 13, कड़ी पत्ता और धनिया की पत्तियों को ताज़ा रखने के लिए उन्हें पतले कपड़े में लपेटकर फ्रिज में रखें। नंबर 14, दूध की मलाई को फूंक कर ना हटाएं, फूंकने के ज़रिए कीटाणु दूध में चले जाते हैं और दूध दूषित हो जाता है। नंबर 15, दूध को प्रयोग करने से पहले एक बार ज़रूर उबाल दिलवाएं ताकि कीटाणु समाप्त हो जाएं। दूध को अधिक देर तक ना उबालें, इससे उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। नंबर 16, दूध फट जाने की स्थिति में पानी और पनीर को अलग कर दें। पानी से आटा गूंथ सकते हैं या चावल दाल उस पानी से पका लें, स्वाद के साथ पौष्टिकता भी बढ़ जाती है। नंबर 17, दूध में आटा गूंथ कर चपाती, पराठे या पूड़ी बना सकते हैं, अधिक खस्ता व स्वादिष्ट बनेंगे। नंबर 18, 2 गिलास यदि एक दूसरे में फंस जाएं तो कटोरी में गर्म पानी डालकर उसमें गिलास रखें, अंदर वाले गिलास में ठंडा पानी रख दें, दोनों गिलास आसानी से अलग हो जाएंगे। नंबर 19, सर्दियों में आसानी से दही जमाने के लिए दही में जामुन डालने के बाद बर्तन को कैसरोल में रख दें, दही आसानी से जम जाएगी। नंबर 20, बेसन के गट्टे सख्त नहीं बने, इसके लिए बेसन गूंथते समय उसमें थोड़ा सा मोयन लगाकर डालकर दही से बेसन को गूंथें। नंबर 21, किसी बोतल या स्टील के डब्बे में सामान रखना हो और पहली चीज़ की गंध ना जा रही हो तो उसे धुली हुई बोतल में एक जलती हुई दिया सलाई की तीली डालकर ढक्कन बंद कर दें। ढक्कन खोल कर पुनः बोतल धोकर सुखा लें, गंध नहीं रहेगी। नंबर 22, स्टील के भगोने में दूध उबालने पर दूध अक्सर नीचे लग जाता है। दूध उबालने से पहले पतीले में थोड़ा सा पानी डाल दें, पानी उबालने के बाद दूध डालकर उबालें। नंबर 23, सब्जियों को धोकर काटें, बाद में धोने से उनके खनिज और विटामिन नष्ट हो जाते हैं। नंबर 24, यदि दूध में खटास आने लगे और फटने का डर हो तो उसमें 1 चम्मच पानी में आधा चम्मच खाने का सोडा मिला दें, दूध फटने से बच जाएगा। नंबर 25, हरी मिर्च को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए उसकी डंडी तोड़कर रखें। नंबर 26, मीठे बिस्किट का कुरकुरापन बरकरार रखने के लिए कंटेनर में 1 चम्मच चीनी डाल दें और उसके ऊपर से बिस्किट डालें, बिस्किट लंबे समय तक कुरकुरे रहेंगे। नंबर 27, चाकू पर यदि जंग लग जाए तो चाकू को प्याज में घोंप कर रखें,
15 मिनट बाद निकाल कर धोएं, चाकू साफ हो जाएंगे। नंबर 28, अगर आप इडली का घोल तैयार कर रही हैं और आप चाहती हैं कि आपकी इडली एकदम सॉफ्ट बने, तो उसमें थोड़े से उबले हुए चावल भी पीस कर डाल दीजिए, इससे इडली नरम बनेगी। नंबर 29, रोटी को नरम और ताज़ी बनाए रखने के लिए अदरक के कुछ टुकड़े रोटी के बर्तन में डाल दीजिए। नंबर 30, अगर आप आलू बड़ा बनाने जा रही हैं और आपको पता करना है कि आपका घोल सही बना है या नहीं, तो एक कप पानी लीजिए और उसमें घोल की कुछ बूंदें डाल दीजिए। अगर वह तैरने लग जाए तो आपका घोल बिल्कुल सही है। नंबर 31, अगर आप चाहती हैं कि आपके बनाए हुए पकौड़े क्रिस्पी बने, तो उसमें बेसन के साथ थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल दें। नंबर 32, प्याज काटते समय अगर आप चाहती हैं कि आप आंखों से आंसू ना आए, तो प्याज के दो टुकड़े करके उसे थोड़ी देर पानी में डाल दीजिए। नंबर 33, पनीर को तेल में फ्राई करने की जगह आप उसे उबले हुए पानी में भी डाल सकती हैं, इससे यह सॉफ्ट और स्पंजी हो जाएंगे। नंबर 34, भिंडी की सब्जी में थोड़ा सा आमचूर पाउडर या नींबू का रस डालने से यह चिपचिपी नहीं बनती। नंबर 35, आलू और प्याज को कभी भी एक साथ स्टोर करके नहीं रखना चाहिए, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। नंबर 36, अगर आप पकौड़े बना रही हैं या पूड़ी तल रही हैं, तो तेल में चुटकी भर नमक डाल दीजिए, इससे यह ज़्यादा तेल नहीं सोखेंगे और आपके लिए भी हेल्दी होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यह टिप्स कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके जब भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो। धन्यवाद।